छात्रवासी बालिकाओं का चयन। राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ में संचालित शासकीय बालिका छात्रवास की 6 छात्राओं का लैपटॉप वितरण के लिए चयन हुआ है। आपको बता दें कि सत्र 2021-22 में माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा आयोजित बोर्ड परीक्षा देने वाले एवं प्रथम चरण के प्रयास में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली मेधावी छात्राओं ने 75% अंक से अधिक हासिल किया है। उन्हें प्रोत्साहन राशि लैपटॉप के लिए 25,000 रूपए 3 अक्टूबर को राजधानी भोपाल लाल परेड ग्राउंड पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान देकर सम्मानित करेंगे। आपको बता दें कि कला संकाय से नीचे से एरिया 86% बड़ौदिया तालाब पूजा लववंशी 81% बीजावर निकिता लववंशी 75% शिवानी लववंशी 75% एवं गणित विषय से रेणु मीणा 86% निशा मीणा 78% सोनकच का लैपटॉप वितरण के लिए नाम चयन हुआ है। इधर छात्रावास वार्डन श्रीमती ऋचा मैथिल ने बताया कि उक्त सत्र में कक्षा 12वीं की 23 छात्रावासी छात्राओं ने 19 छात्राओं से प्रथम श्रेणी में रही थी, लेकिन 6 छात्राओं को मुख्यमंत्री लैपटॉप योजना में चयन हुआ है। टॉपर छात्राओं ने माता पिता शिक्षक एवं छात्रावास का नाम गौरवान्वित किया है। इस अवसर पर जिला शिक्षा अधिकारी बीएस बिसोरिया, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सुश्री चित्रा व्यास, संकुल प्राचार्य महेश कुमार त्रिपाठी आदि ने उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी है। मंडावर से उपम प्रजापति की रिपोर्ट। शासन के द्वारा जो 21-22 में ऐसे छात्राएं जो माध्यमिक शिक्षा मंडल से बैठे थे परीक्षा से और जिनके द्वारा 75% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं उनको 25,000 रुपये की जो राशि उनके खातों में लैपटॉप किराए हेतु दी जा रही है। इसका 30 सितंबर का प्रोग्राम है जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ से बन क्लिप के माध्यम से राशियाँ जारी करेंगे और यहाँ से बसों के माध्यम से छात्र वहाँ पहुँच रहे हैं। और ये बड़ी खुशी की बात है कि छात्रावास से जो हमारा नरसिंहगढ़ का है पालिका छात्रावास, उसकी अधिकांश बच्चियों ने इस वर्ष प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुई हैं और 6 छात्राएं जो है लैपटॉप की राशि 25,000 से लाभान्वित होंगी। ये वार्डन के लिए और छात्राओं के लिए बधाई है। ऐसे बच्चे हमारे लिए दूसरी छात्राओं के लिए प्रेरणा बनते हैं और उनका मार्गदर्शन भी उनको प्राप्त होता है। पुणे में स्टाफ